नमस्ते दोस्तों, यह छोटा मोटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी रनिंग सब काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो सिटी के अंदर हो या फिर हाईवे में, तो आप एक सीएनजी कार लेना बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। अगर आप एक सीएनजी कार लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है, तो आज के इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट सीएनजी कार्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट के अंदर 5th पोजीशन पर आ जाती है मारुति सुजुकी की अल्टो। इस गाड़ी के अंदर आपको 0.8 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 48 bhp की पावर जनरेट करता है और 69 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के अंदर आपको सीएनजी के साथ 31.59 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम किया जाता है। अगर हम प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं, तो इस गाड़ी का प्राइस शुरू होता है 4.32 लाख रुपए से लेकर 4.36 लाख रुपए का मिल जाता है एक शोरूम प्राइस। इस गाड़ी में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, LXi और LXi ऑप्शनल। अगर आप LXi ऑप्शनल लेते हैं तो आपको ड्यूल एयरबैग्स मिलते हैं, अगर आप LXi मॉडल लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल ड्राइवर एयरबैग ही आपको मिल पाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 4th पोजीशन पर आने वाले गाड़ी की, तो वो है मारुति सुजुकी सेलेरियो। इस गाड़ी के अंदर आपको 1 लीटर इंजन मिलता है, जो कि 59 bhp के पावर जनरेट करता है और 79 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के अंदर आपको सीएनजी के साथ 31.74 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम किया जाता है। प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं, तो सेलेरियो के प्राइसेस चालू होते हैं 5.29 लाख रुपीज़ से लेकर 5.38 लाख रुपीज़ का मिल जाता है एक शोरूम। वेरिएंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इस गाड़ी में भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है, एक है VXi और एक है VXi ऑप्शनल। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 3rd गाड़ी की, तो वो है Hyundai की सेंट्रो। इस गाड़ी के अंदर आपको 1 लीटर इंजन मिलता है, जो कि 58 bhp की पावर जनरेट करता है और 89 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के अंदर आपको सीएनजी के साथ 30.48 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी को 3rd रैंक पर रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी स्पेस भी आपको दिखने को मिल जाते हैं। प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं, तो एक्स शोरूम आपको 5.84 लाख रुपीज़ से लेकर 6.2 लाख रुपीज़ का आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में भी आपको दो वेरियंट्स देखने को मिलता है, एक है मैग्ना, एक और है मैग्ना स्पोर्ट। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 2nd पोजीशन पर आने वाले गाड़ी की, तो वो है मारुति सुजुकी वैगनार। सीएनजी में आपको काफ़ी सारे लोग जो है वैगनार को चूज़ करते हैं, इसीलिए कि इस गाड़ी का जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस गाड़ी के अंदर आपको 1 लीटर इंजन मिलता है, जो कि 58 bhp की पावर जनरेट करता है और 78 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की अगर हम बात करते हैं, तो इस गाड़ी में आपको 32.52 किलोमीटर पर kg का आपको माइलेज क्लेम किया जाता है। प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं, तो वैगनार के प्राइसेस शुरू होते हैं 5.25 लाख रुपीज़ से लेकर 5.32 लाख रुपीज़ का मिल जाता है। इस गाड़ी में भी आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एक है LXi, एक और है LXi ऑप्शनल। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 1st पोजीशन पर आने वाले गाड़ी की, तो वो है Hyundai की नियोस। इस गाड़ी को 1st पोजीशन पर रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 6-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर एसी वेंट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ ऑक्स, यूएसबी एंड ब्लूटूथ कैपेबिलिटी, डेटा रनिंग LED लाइट्स और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और तो और, आपको स्पेस हो या फिर बूट स्पेस, आपको दोनों ही आपको इस गाड़ी के अंदर अच्छे मिल जाते हैं। इंजन की अगर हम बात करते हैं, तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर इंजन मिलता है, जो कि 68 bhp की पावर जनरेट करता है और 95 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की अगर हम बात करते हैं, तो इस गाड़ी में आपको सीएनजी के साथ 26.84 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी के प्राइसेस शुरू होते हैं 6.26 लाख रुपीज़। हालांकि इस गाड़ी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि है मैग्ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर दूसरे लोग भी अगर सीएनजी कार ढूंढ रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।